गाजियाबाद पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें सीओ बॉर्डर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र में इस अभियान की कमान संभाली। सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें सीओ बॉर्डर राकेश मिश्रा ने सार्वजनिक स्थलों पर कई गाड़ियों में लोगों को शराब पीते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने इनकी गाड़ी को जब्त कर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। सीओ राकेश मिश्रा ने बताया कि उनके इलाके में इस तरह के अभियान लगातार जारी रहते हैं, जिसमें उनको आज भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लगभग 50 लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर शराब और नशीले पदार्थ का उपयोग करने के लिए हिरासत में ले लिया है। अभियान रेगुलर चलाया जा रहा है और उसी कड़ी में आज भी, चूँकि वीकेंड है तो खुले में शराब पीने की शिकायतें बराबर प्राप्त हो रही थी, तो इस वजह से ये अभियान चलाया जा रहा है और पहले भी चलाया जा चुका है। क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर इस तरह की समस्याएँ आती हैं, सब लोग यहाँ रहते हैं, तो ये अभियान चलाया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया, उनके विरुद्ध जो लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। और इस दौरान जो गाड़ियाँ चूँकि वो नो पार्किंग में खड़ी करते हैं, उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया गया है। बहुत सारी गाड़ियां जो लीगल एक्शन लेते हुए सीज की गई हैं और ये विभिन्न चौकी क्षेत्रों में और पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है। और कितने लोग गिरफ्तारी हुई है सर? काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि आपने देखा भी है, तो विभिन्न क्षेत्रों में भी ये संख्या गिनने की बात होगी, लेकिन करीब 50 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। आगे और ये अभियान जारी है, अभी और देर रात तक चलता रहेगा।